रांची के मिसरा में बेटी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लोग सड़क पर उतरे और सड़क पर शव रखकर जमकर प्रदर्शन किया। आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ग्रामीणों का कहना था कि पुलिस जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर जेल भेजती तब तक हम प्रदर्शन जारी रखेंगे। तीनों लड़का का फांसी दीजिए, हमारे बेटी को जान लेके फांसी पर चढ़ा के उन लोग घर से भाग गया, ताला बंद करके भाग गया। बगल वाला रेंटर है, बगल वाला किया है, हम काम करने चल गए थे, इसका पिताजी घर में थे, रोड में घूमने आए थे, तो गए थे, बाहर से सीटकनी बंद था तो खोल कर देख रहे थे, मेरा बेटी को लटका हुआ है, तो सोचा कि थोड़ा सा जान होगा तो जल्दी पल्दी खोल के उतारे, देख रहे हैं तो जान नहीं था, लेकिन हमको बोला के लाए वहाँ से, देख रहे थे बेटी के नहीं था, जब हम रोने पटकाने लगे तो सब साला भाग गया वहाँ से, ताला। बहुत ही अन्याय हुआ, ये सरकार तो बोलते हैं कि बेटी को पढ़ाओ बेटी को बचाओ, लेकिन बेटी बहू को कुछ सुरक्षा नाम को कोई चीज ही नहीं है, सुरक्षा कहीं नहीं मिलता है। बताइए ये घटना कल का हुआ है, 8 बजे का घटना है, लेकिन अभी तक कोई चीज नए आरोपी को पकड़ा गया है न कुछ, प्रशासन की तरफ से हम लोग को भी कुछ ऐसी नहीं मिला है। हम लोग यहाँ जाम किए हैं, ये बहुत ही अन्याय हुआ है बहू बेटियों के साथ में, हमें अभी तो यहाँ खाना खराब किए हैं, अभी थोड़ा देर के बाद हम रोड है वहाँ पर हम लोग झड़ा करेंगे, जब तक प्रशासन हम लोग को कुछ अति नहीं करेंगे हम लोग अभी इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं सरकार से, इसका बाप माई साहब बहुत भी गरीब है और लड़की पढ़ रही थी मारवाड़ी कॉलेज में, लेकिन उसके साथ इतना बड़ा घटना हुआ, अंजाम दिया गया, आरोपी को जल्दी पकड़ा जाए और हम लोग चाहते हैं उसको फांसी दिया जाने, तो पब्लिक के बीच में लाया जाए और पब्लिक लोग खुद उसको फांसी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।